ऐसा लग रहा है कि इतना लैग है, बैलगाड़ी जैसी गाड़ी है, उठी नहीं रही है। तो भाई साहब कानों को हाथ लगा लिया। तो आप नोटिस करोगे गाड़ी ऐसे ऐसे हो रही है, अपने आप ही राइट लेफ्ट जा रही है, राइट लेफ्ट जा रही है और स्टीयरिंग में पूरा प्ले होएगा। इसका मतलब क्या है, ये साबित होता है कि भाई साहब ये उस लेवल का नशा है कि अगर आपने एक बार इलेक्ट्रिक गाड़ी ये चला ली, आप पेट्रोल डीजल कभी चलाओगे चलाओगे ही नहीं। मजबूरी की बात अलग है। एक बार आप इलेक्ट्रिक गाड़ी चला लोगे ना, आपका वहम दूर हो जाएगा कि भैया पेट्रोल डीजल में बड़ा टॉर्क है, ऐसे दुनिया टेस्ला के लिए पागल नहीं है। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे। मैं हूं नवनीत, ये है दक्ष, हम रखेंगे अपना पक्ष। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम एक ऐसी गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है जिसका नाम है MG की ZS EV कार। लाजवाब चीज है भाई, भूकंप आ जाता, भूकंप आ जाता है। तो क्या ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए, क्या ये गाड़ी आपको नहीं लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, इसके पॉजिटिव इसके नेगेटिव, कितनी प्रैक्टिकल है, चार्जिंग टाइम कितना है, नेक्सॉन ईवी के कंपैरिजन में कैसी है, हाईवे पे क्या हम इसे लेके जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि हम इसे हिल्स पे भी लेकर गए हैं, हमने इसे हर टेरेन में चलाया, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, सिटी ड्राइव, हाईवे ड्राइव, नाइट ड्राइव, पूरा ऑफ रोडिंग अच्छे से जो है हर जगह निचोड़ दिया भाई गाड़ी को हमने, पूरा रगड़ के इसका पूरा भूत बना के, इसने हमारा भूत बनाया, हमने इसका भूत बनाया गाड़ी का, क्योंकि भैया इस गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए ना शेर का जिगरा चाहिए। इसे संभालना आसान बात नहीं है। आपके दिमाग की फ्रिक्वेंसी से ज्यादा तेज भागती है गाड़ी ये। तो अब बात करते हैं सबसे पहले तो इसके पॉजिटिव से। भैया सबसे बड़ा इसका पॉजिटिव जो है ना वो है इसकी पिकअप, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। एक बार अगर आप इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले लोगे उसके बाद आप पेट्रोल गाड़ी नहीं चला पाओगे। जो लोग एक्चुअली क्या है आज की डेट में इंटरनेट वगैरह पे बड़े जोक्स बनते हैं इलेक्ट्रिक कार्स को लेके कि ये तो टॉय कार मतलब है, तो लड़कियों की कार है, तो हल्की गाड़ी है, बच्चों की गाड़ी है, ये है वो है, आवाज नहीं आती, शोर नहीं आता, असली लोग तो पेट्रोल चलाते हैं, डीजल चलाते हैं। तो दोस्तों हमें भी पहले ऐसा ही लगता था, लेकिन जैसा जब हमने ZS EV चलाई, लॉन्ग टर्म रखी है हमने, हमारे पास काफी दिन से ये गाड़ी है, और इतना चलाने के बाद दोस्तों मैं इतना जरूर आपको बोल सकता हूँ कि हम अपनी जो पर्सनल गाड़ी चला रहे हैं वो भी बहुत पावरफुल गाड़ी है हमारे पास। 150 BHP 250 Nm का टॉर्क है उसका, लेकिन 1.5 TSI है वो Volkswagen का इंजन जो हम चला रहे हैं। उसके बाद ये गाड़ी जब चला रहे हैं तो भैया वो गाड़ी नहीं चल रही आज मेरे से जो है ये चलाने के बाद, ऐसा लग रहा है कि इतना लैग है, बैलगाड़ी जैसी गाड़ी है, उठी नहीं रही है। तो भाई साहब कानों को हाथ लगा लिया। एक ही टाइम पे सबसे बड़ा इसका पॉजिटिव कि इस रेट के अंदर इस तैयारी की गाड़ी, मतलब लॉन्च, ये लॉन्च पैड है, ये पूरी की पूरी गाड़ी ना ऐसे रॉकेट लॉन्चर की तरह लॉन्च होती है। मतलब जब ये पिकअप लेती है ना, साथ में जो बैठा हो आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, विश्वास नहीं होता कि ये गाड़ी है। अब देखो इसकी पिकअप देखो जरा, स्पोर्ट्स मोड में तो बहुत ही भाई साहब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, आग मलती है स्पोर्ट्स पे तो तेरी हो भाई। मतलब गाड़ी ऐसा होती है कि जमीन से ऐसा ऐसा होने लगती है कि मुझे मतलब अब टेक ऑफ करने दो मुझे। ये देखो रेंज रहेगी 257 की, स्पोर्ट्स डालते ही रेंज कम हो गई है। लेकिन अभी देखिए ZS EV की पिकअप की झलक, एंड बिलीव मी ट्रस्ट मी, इससे ज्यादा पिकअप वाली गाड़ी इस सेगमेंट में क्या है, इससे ऊपर सेगमेंट में भी अगर आप पेट्रोल इंजन की बात करो बिल्कुल, तो ये 70-80 लाख रुपए तक की किसी भी पेट्रोल गाड़ी को धूल चटा देगी इनिशियल में। इसमें इतना खतरनाक पुल है जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता वर्ड्स में। भैया जिसको ड्राइविंग का कीड़ा है ना, जो कहता ना मैं ड्राइविंग एंथुजियास्ट हूँ भाई, मेरे को पंजा नाप के बड़ा मजा आता है, ये गाड़ी है उनके लिए। अंधेरा आ जाता है आंखों के आगे जब पिकअप लेती है। भाई साहब आपकी दिमाग की फ्रीक्वेंसी से, मैं फिर भी यूज कर रहा हूँ वर्ड, उससे ज्यादा तेज भागती है। आप अभी दूसरा बंदा सोच भी रहा होता है ये पहुंच चुकी होती है। मतलब जब आप इसे सिटी में पुल करोगे तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि अभी मैं यहाँ पे था, अभी मैं उस गाड़ी के पीछे पहुंच गया। इतनी क्विकली जाती है, ये ट्रस्ट ही नहीं होता। और ये तो दोस्तों है इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पिकअप। नेगेटिव है भर भर के इसके अंदर वेट करना, लास्ट तक वीडियो को देखना, क्योंकि ZS EV के ऊपर इतना डिटेल्ड वीडियो आपने आज तक नहीं देखा होगा, पूरे YouTube पे छान लेना आप, क्योंकि हमने जिस टेरन में इसको चलाया आपको पता हम किस तरीके की टेस्टिंग करते हैं गाड़ी की, और हमारी अगर टेस्टिंग के अंदर गाड़ी पास है ना, समझो कि आप ले सकते हो, इसकी रिपोर्ट कार्ड बताएंगे लास्ट में आपको। बिल्कुल। तो अब आ जाते हैं इसके दूसरे पॉजिटिव पे। दूसरा पॉजिटिव ये है कि सीट्स बहुत कंफर्टेबल है इसकी,
सीट अच्छी है, सीट अच्छी है, काफी कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा सीट है, गद्देदार सीट है। ये इसका थोड़ा नेगेटिव भी हो जाता है, ये आपको नेगेटिव में बताएंगे। तीसरा इसका जो सबसे बड़ा पॉजिटिव है, इसका सस्पेंशन सेटअप जो है वो बहुत ही लाजवाब है। आप इसको गड्ढों में ले जाओ, आप इसको ऑफ रोडिंग के लिए ले जाओ, आपको मजा आने वाला। लो स्पीड पे सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं, सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट सस्पेंशन है, पीछे बैठे वालों के लिए भी, आगे बैठने वालों के लिए भी मजा पूरा आएगा बिल्कुल। तीसरा इसकी पैनारोमिक सनरूफ लाजवाब है भैया, इतनी बड़ी खुलती है, आधी गाड़ी जितनी तो पैनारोमिक सनरूफ खुल जाती है। मतलब जिन गाड़ियों में सेगमेंट में जो सेगमेंट किंग कहती हैं गाड़ियां, उनमें जो पैनारोमिक सनरूफ आती है वो इतनी वाइड नहीं खुलती, इतनी चौड़ी नहीं खुलती जितनी ZS EV की खुलती है। कमाल की पूरी इतनी खुल जाती है, इतनी वाइड खुल जाती है कि आप तीन लोग बाहर निकल सकते हो। वैसे तो निकलना नहीं चाहिए सनरूफ से, लेकिन लोग जिस पर्पज से सनरूफ लेते हैं उसी को जस्टिफाई कर रहे हैं। वो पर्पज ना पूरा सॉल्व होता है, दो बंदे पूरी मुंडी निकाल सकते हैं। हम दो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, पीछे वाली सीट पे अब दो लोग आराम से निकल सकते हो, इतनी बड़ी सनरूफ है। ये तो हो गया इसका एक पॉजिटिव। अब अगले पॉजिटिव पे आते हैं दोस्तों, एसी की कूलिंग भी ठीक ठाक है इसकी। हमने इसको लगभग 900 किलोमीटर के करीब तक, हमने इसको 3-4 दिन हो गए हैं चला दिया है इसको गाड़ी को, जिसमें सारी टेरेंस कवर की है हमने। लेकिन जो मैंने फील करा है कि जितनी अच्छी कूलिंग MG की हेक्टर गाड़ी की है, उतनी अच्छी नहीं है, उतनी अच्छी इसकी नहीं है। लेकिन हाँ, आपको दिक्कत कहीं पे भी नहीं आने वाली एसी की। तो ये तो हो गया इसके, और कुछ जो है पॉजिटिव जिसमें एसी हो गया, अंदर की फील हो गई, सॉफ्ट टच मटेरियल हो गया, सारा आपको लगभग वही मिलता है, डैशबोर्ड पूरा वही है। ब्रेक्स भैया, 4 डिस्क ब्रेक लाजवाब चलती हैं इसकी, मतलब मैजिकल ब्रेक्स हैं। जितनी जल्दी पिकअप लेती है उतनी जल्दी तेजी से ये कंट्रोल भी आती है गाड़ी। क्योंकि मैजिकल मैंने इसलिए बोला है क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में बोला कि ये गाड़ी जब पिकअप लेती है, आपकी दिमाग की फ्रीक्वेंसी से भी तेज आपको लगता है कि भाई विश्वास ही नहीं हो रहा एंड, लेकिन ब्रेक्स को विश्वास हो जाता है। ब्रेक्स पे आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं जब आप इसे जो है पिकअप लेते हैं, ब्रेक्स बहुत अच्छी हैं, उस हिसाब से कहीं पे ये नहीं लगता कि कम है या कुछ है, ठीक है। कंक्लूजन में बताएंगे सारी चीजें अभी। ओ भाई साहब, गलती से आपसे कहीं इसका बटन दब जाए ना, पॉजिटिव ही है ये बहुत बड़ा। हाँ, कॉलिंग का अगर बटन दब गया, कॉल सेंटर भाई साहब, कॉल सेंटर स्टेयरिंग पे एक बटन आता है। अगर आपने SOS का बटन दब गया, आपसे गलती से भी दब गया भाई साहब, हम परेशान हो गए, कॉल सेंटर वालों ने फोन कर करके, सर आपका फोन आया था, हमसे गलती से बटन दब गया था। तो ये भैया बहुत अच्छा बड़ा पॉजिटिव है कि कंपनी की सपोर्ट बहुत जबरदस्त है, कि आप मान लो कहीं पे भी खड़े भी हो गए बीच सड़क पे, आपको वो बटन दबाना है, विद इन फ्यू मिनट्स, 2-3-4 मिनट के अंदर अंदर आपको जो है कंपनी से कॉल आ जाएगा, जो कि हम भी हैरान थे, हमसे गलती से दब गया था, ऑन पर्पस नहीं दबाया था हमने। अगर अब बात आ जाती है रेंज की इसकी दक्ष, ये भी एक पॉजिटिव इसका पॉइंट है। कंपनी 400 प्लस क्लेम करती है इसकी जो माइलेज है, 450 क्लेम करती है, लेकिन 350 के करीब जो है ये रियल लाइफ कंडीशंस के अंदर आपको इजीली माइलेज दे देती है। मतलब लॉन्ग रूट पे अगर आप थोड़ा सा पंजे को दबाओगे नहीं ज्यादा, स्पोर्ट्स मोड पे जो है ये रेंज कम दे देती है। अगर हाँ, अगर आपने फन लेना तो भैया नॉर्मल मोड जो है इसका वो बहुत लाजवाब है। मैं पहले बता दूं लोगों को, इसमें 3 मोड आते हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स। इको मोड में ठीक ठाक चलती है, बहुत ज्यादा पंजा दबाने पे काफी पावर आती है, नॉर्मल मोड पे ये ऑलवेज पावर में रहती है, और स्पोर्ट्स मोड तो स्पोर्ट्स मोड नहीं है वो नॉर्मल के बाद वो एबनॉर्मल मोड है, गाड़ी एबनॉर्मल हो जाती है, वो एबनॉर्मल मोड है। ओए होए होए भाई साहब, कानों को हाथ लगा लोगे आप टेस्ट ड्राइव लेके ही भाई, ऐसा पिकअप नहीं आपने किसी गाड़ी का देखा। इस रेंज के अंदर इस तरह की चलने वाली गाड़ी मतलब कमाल है भाई। इस रेंज का क्या, 70-80 लाख रुपए की भी पेट्रोल गाड़ी पिकअप के लिए ना शब्द कम है, पिकअप के लिए तारीफों के शब्द ही कम है। अब आ जाते हैं दोस्तों इसके नेगेटिव्स पे। भाई साहब नेगेटिव भी बहुत सारे हैं, बहुत जेन्युइन है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप प्लान कर रहे हो ये गाड़ी तो याद रखना ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगा। अब पिकअप पे ही बात आ जाती है दक्ष, बिल्कुल जो पिकअप का स्वाद आता है आपको बहुत ज्यादा, लेकिन जैसे ही आप पिकअप लेते हो, बहुत एकदम सडन पिकअप लेते हो, तो आप नोटिस करोगे कि इसके टायर स्पिन मारते हैं, मतलब गाड़ी से झेली नहीं जाती इतनी पावर जनरेट हो जाती है। मतलब आप गाड़ी को सीधा चला रहे हो, गाड़ी ऐसे साइड पे जानी शुरू हो जाती है, इतनी तेज पिकअप जनरेट करती है। हाँ। और स्टेयरिंग फीडबैक उस समय जीरो हो जाता है, मतलब इतना हो जाता है कि आपको बहुत ज्यादा कस के पकड़ना पड़ता है। एंड अगर आप कस के भी स्टेयरिंग पकड़ रहे हो एंड आप एक्सेलरेट कर रहे हो, तो आप नोटिस करोगे गाड़ी ऐसे ऐसे हो रही है,
अपने आप ही राइट लेफ्ट जा रही है, राइट लेफ्ट जा रही है और स्टीयरिंग में पूरा प्ले होएगा। इसका मतलब कैसे ये साबित होता है कि इतनी पावर जनरेट हो जाती है कि गाड़ी संभलती नहीं है, गाड़ी बर्दाश्त, इसका जो ढांचा है वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता इतनी पावर को कि गाड़ी ऐसा ऐसा होने लगती है, राइट लेफ्ट जाने लगती है। लेकिन 80-90 तक ये बहुत स्टेबल चलती है। अब जो सस्पेंशन सेटअप इसके सिटी में बहुत काम आते हैं, कच्चे रस्तों में बड़े काम आते हैं, वो हाई स्पीड पे इसकी स्टेबिलिटी को थोड़ा सा बिगाड़ते हैं। मतलब बाउंसी लगती है गाड़ी चलती हुई, जब चलती है ना सीधी रोड पे भी हल्का सा भी झोल आएगा वो आपको महसूस होगा, बॉडी रोल अच्छा खासा है गाड़ी का जो है, क्योंकि भैया इस वीडियो में मिलेगी सच्चाई है आपको जो हमारे अलावा कोई नहीं बताएगा आपको। बिल्कुल ठीक है। तो बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे नहीं चलाना क्योंकि गाड़ी के अंदर बॉडी रोल आता है और आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज होता है क्योंकि ये पिकअप जरूरत से ही ज्यादा बना देती है नेक्स्ट जो है। हाँ, और सस्पेंशन सॉफ्ट है इसलिए हाई स्पीड पे वो स्टेबिलिटी नहीं रहती, क्योंकि आगे वेट नहीं है इंजन वगैरह का, तो ऐसा लगता है कि गाड़ी ना टेक ऑफ लेने की तैयारी में। अनबिलीवेबल पावर है। जो स्टेबिलिटी एक गाड़ी में होनी चाहिए हाई स्पीड स्टेबिलिटी, वो मुझे बहुत ज्यादा महसूस नहीं हुई स्टेबिलिटी इसमें नहीं है। हाई स्पीड में स्टेबिलिटी नहीं है, वो आपको और भी बहुत गाड़ियां मिलेंगी। एंड लो स्पीड पे भी जब आप पिकअप लोगे तो भी आपको लगेगा कि भाई पावर है लेकिन स्टेबिलिटी वगैरह कुछ नहीं कुछ है, नहीं सिर्फ है। पावर है, थोड़ा सा घुटना आपका अटकता है यहाँ पे, जो लेग रूम है वो थोड़ा सा कंजेस्टेड लगता है लेकिन धीरे धीरे उसकी हैबिट हो जाएगी। अगला काफी मेजर नेगेटिव कि जो इसका राइट साइड का पिलर है व्हाइल ड्राइविंग, ऐसा लगता है कि ये ब्लाइंड स्पॉट बहुत क्रिएट करता है, ब्लाइंड स्पॉट है, बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करता है। और इसमें तो ये भी लगा हुआ है रेन वाइजर, तो और ज्यादा इनहेंस कर देती है। मतलब जब आप राइट टर्न लोगे तो आपको लगेगा कि कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे राइट साइड का। एक पॉजिटिव रह गया था कि इसमें 360 कैमरा भी आता है, लेकिन वो पॉजिटिव मैं इसलिए नहीं गिनवाया क्योंकि बहुत बढ़िया क्वालिटी का नहीं है, जैसे हेक्टर का क्वालिटी बहुत बढ़िया थी, हेक्टर की क्वालिटी बहुत एक्सीलेंट थी। एक और नेगेटिव मैं इसमें बोलना चाहूंगा कि इसका म्यूजिक सिस्टम, अब आई डोंट नो ये इसी गाड़ी में दिक्कत है जो हमें पीस प्रोवाइड करा या फिर ये सारी लाइनअप में है, कि इसका म्यूजिक सिस्टम बहुत अप टू द मार्क नहीं है, बहुत ही ज्यादा, मतलब अब मैं क्या बोलूं कि इतनी आवाज फटती है, ना कोई क्लैरिटी है, लाउडनेस आप करोगे तो आपको ऐसे कानों में चुभेगी। मे बी ये इसी गाड़ी के अंदर हो क्योंकि बहुत ज्यादा मेंटेन नहीं रखते ये मीडिया कार जो होती है। बिल्कुल। अगले नेगेटिव पे आ जाते हैं दोस्तों, अभी बहुत से नेगेटिव बाकी है। स्टीयरिंग जो है टिल्ट हो जाता है, टेलीस्कोपिक नहीं होता, आगे नहीं कर सकते आप, ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो जाता है बस, ये आगे पीछे नहीं होता, जो कि सेम दिक्कत इनकी एस्टर में भी है, जो एस्टर में भी है। तो ये एक नेगेटिव लगा मुझे। इस गाड़ी के अंदर फॉग लैंप्स नहीं है, नाइट विजिबिलिटी भी ठीक है, अगर सामने से कोई गाड़ियां आ रही हो या रोड जैसे हाईवे पे आप होते हो तो विजिबिलिटी में थोड़ी सी मुश्किल होती है। नाइट विजिबिलिटी भी इसकी अप टू द मार्क नहीं लगती कि बहुत ज्यादा आप नाइट ड्राइव कर पाओ इसके अंदर। अगले नेगेटिव पे आ जाते हैं दोस्तों, ये ऑटो डिमिंग मिरर नहीं है इसके अंदर, ये टिक टिक वाला दे रखा है लोकल सा, जो कि होना चाहिए यार, इतनी महंगी 27-28 लाख रुपए की गाड़ी के अंदर ये एटलीस्ट ऑटो डिमिंग होना चाहिए था, ये बहुत मस्ट नीडेड फीचर है। बिल्कुल। क्योंकि अगर इसको आप नाइट पे कर देते हो तो बिल्कुल ही काला हो जाता है, ये बहुत ही मुश्किल नजर आता है, और अगर आप इसको डे मोड पे रखोगे तो रात को आंखें चुंधियाती हैं बहुत ज्यादा लाइट पीछे से जब पड़ती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इसका नेगेटिव लगा मुझे। और इसका एक नेगेटिव कि इसमें वायरलेस कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो नहीं आता, एंड जो वायर वाला भी आता है ना, जो वायर वाला वो भी सिर्फ यूएसबी पोर्ट पे लगा के वो जो है चलेगा। अगर आप टाइप सी पे लगाओगे, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास नया आईफोन या सैमसंग का फोन है, आप टाइप सी पे लगाओगे तो वो जो है नहीं काम करेगा, आपको यूएसबी पोर्ट पे लगानी पड़ेगी तार, तब वो जाके वायर वाला भी काम करेगा। हम जैसे अभी गए हुए थे इसको लॉन्ग रूट पे लेके, तो हमने ब्लूटूथ से अपने सॉन्ग्स कनेक्ट किए हुए थे इसके अंदर, और नेविगेशन जो है इनकी अपनी जो नेविगेशन इनमें इनबिल्ट आती है, वो नेविगेशन जो है ठीक ठाक काम करती है, थोड़ा ट्रैफिक कंजेशन नहीं बताती कि कहाँ पे है, लेकिन एक्यूरेट है वो भी। एंड मैंने एक और चीज नोटिस करी है कि जो इसका इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम है ना, उसमें लैग कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल कोई लैग नहीं है, जैसे हेक्टर की स्क्रीन में था बड़ी लैग है, इसमें लैग नहीं है स्क्रीन। और दोस्तों, तीन लोग इसके अंदर आराम से बैठ सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हम्प नहीं है, जो इनकी एस्टर आती है ना उसके अंदर हम्प है। और दूसरी चीज, ये गाड़ी है श्योर शॉट सेफ, यूरो एनकैप में 5 स्टार रेटेड गाड़ी है ZSEV जो है ये, तो इस चीज की तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बिल्ड क्वालिटी अप टू द मार्क है गाड़ी की।
दोस्तों एक चीज जो कि इस गाड़ी की खूबी नहीं है, जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ी की खूबी मैं कहूंगा, कि पेट्रोल गाड़ी में आप नोटिस करोगे कि अगर आप अकेले बंदे चल रहे हो या आप दो चार लोग बैठे हो या फुल लोड पे हो, तो आपको कहीं ना कहीं पावर में लैग फील होएगा। लैग इन द सेंस कि जब आप गाड़ी अकेले चला रहे हो, फुल लोड पे चला रहे हो, आपको डिफरेंस फील होएगा पेट्रोल डीजल गाड़ी में। लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ी में क्या है कि चाहे आप अकेले बैठे हो, चाहे आप दो लोग हो, आप पांच लोग हो, आप सात लोग हो, आप आठ लोग इसमें ठूस लो, लेकिन आपको पिकअप वैसे का वैसा ही लगेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि गाड़ी की जो मोटर है वो लोड ले रही है, आपको एक जैसा ही फील होएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों, इसकी जो रेंज की बात हमने की थी कि ये चार्जिंग में कितना टाइम लगाती है। देखो हमने घर पे तो चार्ज किया नहीं इसको, जो स्लो चार्जिंग पे जो घर पे चार्जिंग होती है उस पे किया नहीं, क्योंकि वो उसमें 8-10-12 घंटे लग जाते हैं इसको फुल चार्ज होने में। बिल्कुल। तो हमने इसको फास्ट चार्जिंग पे चार्ज किया, 25 किलोवाट या 30 किलोवाट जहाँ पे जो भी अवेलेबल हुई हमने उस पे चार्ज किया। तो 30 किलोवाट के ऊपर ये लगभग आप ये मानो कि 1.25 घंटे के अंदर ये 20-80% चार्ज हो जाती है। स्लो चार्जिंग अगर है तो आपको टाइम लग सकता है, लेकिन स्लो चार्जिंग उस पर्पस का है कि आप ओवरनाइट छोड़ दो गाड़ी को। अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं दोस्तों, किसको लेनी है किसको नहीं लेनी है, बिल्कुल अब ये क्लियर कर देंगे कहाँ के लिए है गाड़ी ये। भैया मेरे हिसाब से ये बिल्कुल प्रॉपर सिटी कार है, बिल्कुल। चाहे ये 30 लाख रुपए वाला मॉडल लो, 28 लाख रुपए वाला, चाहे इसका 24-22 लाख रुपए वाला मॉडल लो, क्योंकि इंडिया में इलेक्ट्रिक का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अभी प्रॉपर नहीं है कहीं पे भी, जो है जो महसूस किया गया। चार्ज करनी है, लाइट नहीं है। अरे मेरे भाई ऐसे मत बोलो, और कहाँ पे है? लो भाई इलेक्ट्रिक का मजा देख लो। आपको एक ऐप बताती तो रहेगी कि कहाँ कहाँ पे चार्जिंग स्टेशन है, बट वो चार्जिंग स्टेशन चालू है नहीं है, वहां पे लाइट है या नहीं है, आपको पता ही इंडिया में कितनी समस्या, काफी समस्या फेस हुई है। तो अगर आप लोकल जैसे कोई दिल्ली रहता है तो दिल्ली एनसीआर के लिए जिसका काम NCR के लिए आप ले सकते हो, बहुत मजा रहेगा। नोएडा का अप डाउन है, रोज का गुड़गांव का अप डाउन है। हमारा एक्सपीरियंस रहा कि सिटी में बहुत मजा आता है इसको चलाने, सिटी का में तो बहुत ही मजा आता है चलाने का इसको। सिटी में अगर आप चला लोगे, आप कोई गाड़ी नहीं चलाओगे, पॉसिबल ही नहीं है सिटी में से चलाने। मतलब भैया ये है कि ये फन टू ड्राइव एलिमेंट के लिए लेनी है गाड़ी आपने। आप ये सोचो कि मेरा पैसा बच जाएगा ईवी गाड़ी लेने से, तो पैसा वैसा नहीं बचता। पहले ही तो यार 28 लाख की गाड़ी ली यार, बिजली कोई फ्री तो है नहीं। ईवी गाड़ी दोस्तों कोई भी कंपनी की ले रहे हो तो ये सोच के लो कि भाई साहब इलेक्ट्रिक पेट्रोल से ज्यादा मजेदार चलती है, ये सोच के मत लो कि मेरा पैसा बचेगा तेल का। आप पहले ही 15-20-25-30 लाख रुपए खर्च कर रहे हो। इतना मैं बता सकता हूँ कि ये इस सेगमेंट के अंदर सबसे बेहतरीन गाड़ी है ये। मतलब जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं इंडिया के अंदर बजट के अंदर, मतलब ये भी बजट से थोड़ी ऊपर ही हो जाती है, नेक्सो नोवी से एक सेगमेंट ऊपर आ जाती है, और इसके कंपटीशन में और यहाँ कोना वगैरह आती हैं, वो भी इसी रेट की है। लेकिन भैया नेक्सो नोवी से तो ये नेक्स्ट लेवल चलती है, पावर बहुत ज्यादा है। बार कुछ कमियां हैं, लेकिन वो ऐसी कमियां नहीं है कि जिस वजह से इस गाड़ी को इग्नोर किया जा सकता है। दक्ष अगर आपको लेनी ही इलेक्ट्रिक है तो ये गाड़ी बहुत अच्छी है। ये गाड़ी चलाए बगैर ना आपने दूसरी गाड़ी नहीं लेनी है, तब तक जब तक इसको इसकी टेस्ट ड्राइव ना कर लो। आप तसल्ली से टेस्ट ड्राइव लो, लुत्फ है ये, इश्क है ये। अंदर की आत्मा हिल जाती है जब पिकअप लेती है। भाई साहब ये उस लेवल का नशा है कि अगर आपने एक बार इलेक्ट्रिक गाड़ी ये चला ली, आप पेट्रोल डीजल कभी चलाओगे ही नहीं, मजबूरी की बात अलग है। बाकी अब बात करते हैं कि ये कितनी प्रैक्टिकल है कितनी प्रैक्टिकल नहीं है चार्जिंग वगैरह इन रियल लाइफ। तो देखो दोस्तों, देखो अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो आपको लोकल अपने एरिया में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं बात करूँ दिल्ली की, घर पे ही हो जाएगी, एनसीआर की, या मैं बात करूँ बैंगलोर वगैरह की, आप एक बड़े शहर में रहते हो तो आप घर पे भी कर लोगे ओवरराइड, या फिर आपके आसपास इतने चार्जिंग स्टेशन होंगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। खासकर जिनकी अपनी पर्सनल पार्किंग है यार, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इंस्टॉल कर जाएंगे आपका स्विच जो है वहां पे प्लग बना जाएंगे, ओवरनाइट चार्ज करो। लेकिन अब इसकी दिक्कत है, मैं आपको बताता हूँ कि इस इलेक्ट्रिक कार के साथ आपको क्या इश्यूज जो है फेस करने को मिल सकते हैं। वो ये है कि मान लो आप अपने शहर से कहीं बाहर गए हुए हो, आपको चार्जिंग स्टेशन भी मिल गया, लेकिन अगर चार्ज करते करते बीच में लाइट चली गई तो आपको वहां पे वेट करना पड़ेगा, बिकॉज पेट्रोल की बात अलग है, पेट्रोल तो फटाफट से भर जाता है, उसमें कोई डिले नहीं आता। दोस्तों अब जो है टाटा के शोरूम में जो है हमने ये भी चार्जिंग पे लगाई है, 11:22 पे जो है हमने इसे चार्जिंग पे लगाया था, 11:56 इस समय हो रहे हैं। गाड़ी अच्छी खासी चार्ज हो रही थी, लेकिन देखो भाई लाइट ही चली गई तो चार्जिंग जो है इसकी पॉज हो गई। ये देखो, तो ये भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी के साथ आपको फेस करना ही पड़ेगा। फास्ट इलेक्ट्रिक गाड़ी में लाइट गई नहीं, एंड आपको वहीं पे जो है खड़ा रहना पड़ेगा। हर इलेक्ट्रिक पॉइंट के में ना एक ही लगाया है उनके पास, एक ही सिस्टम है, एक ही गाड़ी को चार्ज करने का इंतजाम होता है, यानी जुगाड़। और अगर कोई पहले से ही खड़ा हुआ है वहां पे चार्जिंग करने के लिए, तो समझ लो 2 घंटे तो ये लग गए आपके, मिनिमम 1 घंटा तो वेटिंग में।
आपको फैमिली के साथ वेट करनी पड़ेगी। और जरूरी नहीं है कहीं पे हर जगह मॉल ही हो, कभी पेट्रोल पंप पे भी मिल जाते हैं, कभी अलग अलग जगह पे मिलेंगे। तो ये दिक्कतें आपको काफी ज्यादा बुरी लगेंगी कि यार मैंने 30 लाख रुपए भी खर्च करे और मैं 1.5 घंटा जो है सड़क पे घूम रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा बढ़िया इसका आने वाले टाइम में, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप सिटी पर्पस के लिए और अपने आसपास जाने के लिए आप ले सकते हो इस गाड़ी को। रेंज भी बहुत अच्छी देती है ये। अगर आप हाइब्रिड कार ले रहे हो सिटी के लिए, ये सोचिए कि मुझे माइलेज मिलेगी, तो आई गेस 22-23 लाख रुपए की हाइब्रिड गाड़ी से बढ़िया आपको जो है 25-26 लाख की एक ईवी गाड़ी लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको उससे 1 लाख दर्जे ज्यादा पावर मिलेगी एंड खर्चा हाइब्रिड से भी कम है, अगर सिर्फ लोकल के लिए लेनी है तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, जिनके बहुत ज्यादा ड्राइविंग का कीड़ा वो ले सकते हैं, जिनकी बहुत ज्यादा यूजेज है वो ले सकते हैं इस गाड़ी को, और जिनको ड्राइविंग का सच में ही यार जो प्यार करते हैं ना ड्राइव करने में, एक बार आप इलेक्ट्रिक गाड़ी चला लोगे ना, आपका वहम दूर हो जाएगा कि भैया पेट्रोल पेट्रोल डीजल में बड़ा टॉर्क है, डीजल में बड़ा टॉर्क है। ऐसे दुनिया टेस्ला के लिए पागल नहीं है। इंडिया में जो गाड़ियां आ रही हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मतलब अच्छी गाड़ी जो है समझ ले यहां से स्टार्ट हो जाती है। ZS EV जो है ये वन ऑफ द बेस्ट इस सेगमेंट की गाड़ी लगी पूरे लॉन्ग टर्म रिव्यू के बाद जो है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई है MG ZS EV का। हमने आपको पॉजिटिव, हमने आपको नेगेटिव, हमने आपको सब कुछ बताया। एंड अगर आपको और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एंड हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आ रहा है। अगर आप ZS EV की कोई इंक्वायरी है या फिर आप कोई भी गाड़ी में फंसे हो, पेट्रोल लेनी है, डीजल लेनी है, ईवी लेनी है, CNG लेनी है, बहुत कन्फ्यूजन होता है दिमाग में, तो ये कन्फ्यूजन आपका दूर कर देंगे। आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो, नीचे नंबर आ रहा है हमारा, कॉल पे हमारे साथ प्रायोरिटी कॉल पे जुड़ सकते हो, कॉल बुक करा सकते हो, आपकी कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बिल्कुल, कार बाइंग डिसीजन बहुत एक इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है और कंफ्यूजन जो है नेक्स्ट लेवल रहती है इसके अंदर, तो दूर कर देंगे आपकी कंफ्यूजन। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।